सो हेलो एंड वेलकम, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं TVS इलेक्ट्रॉनिक LTD के बारे में, जिसका क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में बात करें, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इसके करंट प्राइस के बारे में बात करेंगे। इसका करंट प्राइस चल रहा है 145 रुपये तक का, और इसमें 1% की गिरावट देखने को मिली है। लगभग 2 रुपये शेयर हमें गिरते दिख रहा है, बट 5 दिन के टाइम फ्रेम पर देखें तो इस शेयर में अच्छा खासा हमें बढ़त देखने को मिली है। गाइस, TVS इलेक्ट्रॉनिक पर हमने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो, उसमें हमने इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात की है। तो आप देख सकते हो TVS इलेक्ट्रॉनिक में 5 दिन के टाइम फ्रेम में इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और एक महीने के टाइम फ्रेम की बात करें तो ये स्टॉक अच्छा बढ़ा था, 140 तक गया था 29 अप्रैल को, बट ये नीचे हो गया था उस टाइम से, और अभी फिर से हम बढ़त देखने को मिल रही है। 147 तक ये स्टॉक गया था, और इसके मार्केट कैप की अगर बात करें तो 273 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात करें तो इसके क्वार्टर फोर में अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी का जो पिछला जो मार्च 31, 2021 में इसका जो इनकम थी, टोटल इनकम वो 62 करोड़ के आसपास थी, और अब वो बढ़कर 72 करोड़ हो गई है। और इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में लगभग 6 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट होते दिख रहा है, और जो इसके 2020-21 मार्च की अगर क्वार्टर थ्री की बात करें तो 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्हें हुआ था। तो अच्छा खासा इसमें बढ़त देखने को मिली है। अगर 2019 की बात करें तो उसमें इन्हें 5 करोड़, मतलब जो पिछले क्वार्टर से उनसे अच्छा इसमें हमें बढ़त देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को रख सकते हो। इसका नाम काफ़ी चलता है, TVS इलेक्ट्रॉनिक, जो एक अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। IT सेक्टर का सेल है, और IT के जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करता है। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।